पेपर देकर आ रहे हैं आप? मास मीडिया हिंदी। कैसा रहा आपका पेपर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, इजी था। ओके, इजी पेपर था। क्या सिलेबस है मास मीडिया हिंदी के लिए? हिंदी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जनरल नॉलेज आनी चाहिए थोड़ी बहुत, और मूवीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और क्या चल रहा है देश में, बस इतना ही काफ़ी है, बाकी आप क्लियर कर लेंगे। तैयारी की बात करें तो तैयारी कहाँ से की थी आपने? सेल्फ स्टडी या कहीं से कोचिंग ली? सेल्फ स्टडी से की थी मैंने, तो यूट्यूब से आप क्लियर आराम से पढ़ लेंगे, यूट्यूब से आप, यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है। नाम है आपका? वकारुल हक। कौन सा एंट्रेंस देकर आए आप अभी? बीए मास मीडिया। बीए मास मीडिया, कैसा रहा आपका एंट्रेंस? अच्छा रहा। क्वेश्चंस कैसे आए थे, इंटरमीडिएट, नॉर्मल या फिर कैसा? नॉर्मल, जैसे रिसेंट ईयर आते हैं। अच्छा, अगर बात करें क्वेश्चन की तो क्या सिलेबस है इसमें, क्या सिलेबस डिफाइन किया जामिया ने? सिलेबस करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद रिलेशंस अदर कंट्री के, बस इतने ही आते हैं, करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बाकी हिस्ट्री का ओल्ड हिस्ट्री आते हैं। अगर इसमें फिल्म वगैरह को लिया जाए, अवार्ड्स वगैरह, इनसे सवाल आते हैं? जी आते हैं, अवार्ड्स वगैरह के भी आते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है आपका कितने पार्ट्स में है? वो दो पार्ट्स में है, एक फर्स्ट है सब्जेक्टिव, उन्हें ऑब्जेक्टिव जो 40 मार्क्स का है, और सेकंड सब्जेक्टिव जो 60 मार्क्स का आते हैं। तो सब्जेक्टिव में आप क्वेश्चंस बता सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? जैसे रिसेंट ईयर आते थे वैसे ही है, जैसे फिल्म रिव्यू आते हैं हर साल तो वो आए, और रिलेशन आते हैं दूसरे कंट्रीज़ के बारे में तो वो आए, इलेक्शन इस बार नहीं आए थे, बाकी पिछले साल आए थे, वो भी आते हैं बट इस साल नहीं आए थे, और उसके बाद न्यूज़ कार्यक्रम ये आते हैं तो ये भी आए थे, बस वही पैटर्न वही था, सेम था, बट इस बार 9 क्वेश्चन थे जिसमें 6 बनाना था। ओके। जो रिसेंट ईयर नहीं था। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे? ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स, अवार्ड सेक्शन एंड हिस्ट्री, कुछ बस इतना ही। कट ऑफ यूजुअली क्या जाती है मास मीडिया हिंदी के लिए? मास मीडिया जनरल के लिए 59 गई थी रिसेंट ईयर, इस बार भी उतना ही जाएगी, मेरे को लगता है ज़्यादा ही जाएगी। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था? जी, साढ़े प्रीवियस रिकॉर्ड मैंने 5 साल के सॉल्व किए थे। हेल्पफुल रहा उससे क्वेश्चंस रिपीट हुए? क्वेश्चंस रिपीट ऑब्जेक्टिव में, हाँ ऑब्जेक्टिव में तो एक दो रिपीट हुए थे, बाकी करंट अफेयर से थे, बस सिमिलर ही क्वेश्चन थे। कौन सा पेपर देकर आ रहे हैं आप अभी? मास मीडिया हिंदी। कैसा हुआ आपका पेपर? पेपर बढ़िया था अल्हम्दुलिल्लाह, बट थोड़ा बहुत जैसे करंट अफेयर से रिलेटेड था, बाकी अच्छा ही था, कुछ अच्छा ही था। डिफ़िकल्ट था, इजी था, कैसा था? ना डिफ़िकल्ट था ना इजी था, मीडियम था, क्योंकि पढ़ने वालों के लिए डिफ़िकल्ट भी इजी लगता है, और इजी भी नहीं पढ़ने वालों के लिए इजी भी डिफ़िकल्ट लगता है, इसलिए तो मीडियम हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा भी था लगभग। तैयारी होता है कि क्वेश्चन पेपर ही डिफ़िकल्ट आता है। चलिए, क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होता है आपका? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का, कितने पोर्शन में डिवाइडेड है ये? ये दो पोर्शन में डिवाइडेड, एक जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी टाइप से। सेक्शन ए में होता है जो 40 मार्क्स का होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, उसके बाद जो 60 मार्क्स का होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है कि आपको क्वेश्चन 4 एबव मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें से आपको 6 अटेम्प्ट करना होता है, 4 को छोड़ देना होता है। वो 6 जो होते हैं 10 मार्क्स के होते हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या सिलेबसेज हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए कोई खास सिलेबस है नहीं, अगर आप चाहे तो अरिहंट से भी तैयारी कर सकते हैं, और वैसे अगर आपका करंट पे ज़्यादा फोकस है तो करंट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल। अवार्ड्स एंड फिल्म से भी पूछे जाते हैं? ऑफ कोर्स। अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप थोड़ा मुझे सवाल बता सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर लाने को नहीं मिलता है। पेपर देख के बताओ। नहीं, जैसे सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होता है ना कि हर साल, मतलब कि जैसे आप जिस साल भी जाएंगे, इस साल जाए, पिछले साल जाए, उससे पिछले साल चले जाए, तो हर साल में एक फिल्म की समीक्षा हमेशा होती है, किसी एक फिल्म के बारे में कुछ बताना होता है, और एक अपने जर्नी के बारे में बताना होता है, जैसे कि आपने कहीं सफ़र करा उस बीच में आपको किसी, तो एक ये भी कंफर्म होता है, ये भी बताना होता है। और क्या होता है कि जैसे करंट में हाल होता है, पिछली बार जैसे पूछा हुआ था कि पिछली बार में इस साल का नहीं बता, हाँ नहीं नहीं रूस यूक्रेन का मामला तो अभी चल रहा है, पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं, पिछली बार में मतलब था जैसे कि श्रीलंका में क्राइसिस था, तो श्रीलंका क्राइसिस के बारे में, और इस बार में ताइवान और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में पूछा है, तो दो देशों के बीच के संबंध को भी पूछते हैं, और करंट हालिया में जो क्राइसिस वगैरह होता है, इन सब की चीज़ों के बारे में पूछते हैं।